गाइस मैं हूं प्रमोद कुमार शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम अपना टाटा ऑल्टोज कार में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है हॉर्मन का, उसमें आज यूट्यूब चला के दिखाएंगे आपको। और ये लगभग सारे कार में यूट्यूब चलेगा, जिस कार में एंड्रॉइड ऑटो दिया हुआ है जो कि बिना एंड्रॉइड सिस्टम का होता है, वो सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम में आज यूट्यूब चला के दिखाएंगे। और जिस कार में एंड्रॉइड ऑटो है यूट्यूब चला के दिखाएंगे। तो इस वीडियो हम कंटिन्यू देख लेना, आज की वीडियो आपको क्लियरली बताऊंगा यूट्यूब कैसे अपने कार में चलेगा। तो पहले हम कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन करते हैं। बिना कार को स्टार्ट करके हम सीधा यहाँ से 2 सेकंड के लिए क्लिक करेंगे इसको, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। क्लिक कर सकते हो तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये 1 घंटे के लिए ये ऑन हो गया। तो हम इसको कैसे हम यूट्यूब चला सकते हो इस वीडियो में क्लियरली बताता हूँ, वीडियो का आप कंटिन्यू देख लेना। तो पहले हम क्या करना होगा कि जो USB था होता है, तो इसको हम पहले मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। हमारा कार में मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, तो आपको दिखा देता हूँ कि एंड्रॉइड ऑटो में क्या क्या आता है। इसमें जैसे आप एंड्रॉइड ऑटो क्लिक करोगे, ये होम का हो गया, तो इसमें YouTube म्यूजिक, जियो सावन और कुछ नहीं है इसमें। तो हम इसमें एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसके थ्रू हम कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में YouTube चला सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये कैसा डाउनलोड करना है इसमें इस वीडियो में आपको वो भी बताता हूँ। तो पहले क्या करना होगा कि जो लिंक होता है जिसमें मैं लिंक भेजाऊँ, तो ये लिंक पहले हम क्लिक करते हैं। ये क्लिक करके और डाउनलोड करना होगा आपको, एक ऐप है आपको ये भी अलाउ करना होगा। जैसे इंस्टॉल करूँगे और वीडियो में ऑन कट रखूँगा जितना हो सके, क्योंकि आपको प्रॉपरली पता चले कि वीडियो कैसे मतलब अपने कार में यूट्यूब चला से पाओगे, तो वीडियो में अनकट रखूँगा। तो इसमें आपको दोनों जो ऐप आ जाएगा, कार ट्यूब और कार ट्यूब कंट्रोलर, तो आपको ये दोनों इंस्टॉल करना होगा। बहुत कम मेगा होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। और एक है कार ट्यूब कंट्रोलर, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी इंस्टॉल हो चुका है, बहुत कम मेगा होता है। दोनों जैसे मतलब इंस्टॉल हो गया, तो इस दोनों को क्लियर कर देना। तो ये आ गया कार ट्यूब। ये तो मतलब ये सारे ऐप इंस्टॉल होने के बाद एक बार अपना USB को निकाल के और एक बार लगा देना, मतलब ये एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, कैंसिल एंड्रॉइड ऑटो आ गया। ये जैसे आप इसमें क्लिक करोगे और होम को बटन क्लिक करना, इसके बाद ये आ जाएगा कार ट्यूब। तो कार ट्यूब क्लिक करते वक्त ये चल गया यूट्यूब अपना मोबाइल में, सॉरी अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो इसमें आपको मेरा एक वीडियो क्लिक करके दिखाता हूँ। ये चल गया हमारा मोबाइल, मतलब मोबाइल को आप लग करके भी यहाँ देख सकते हो यूट्यूब वीडियो। तो क्या
प्रॉपरली आपको यूट्यूब का जो भी सेटअप अपना कार में, ये अपना कार चलाते वक्त भी यूट्यूब का वीडियो चले पाएगा, मगर ऐसा मत करना क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त वीडियो देखेंगे तो अपना एक्सीडेंट का बहुत चांस होता है। तो इस तरह से अपना कार में जो यूट्यूब चला सकते हो आप, तो इसका जो लिंक है ऐप का वो लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि मैं जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड करता हूं आप तक मिलती रहेगी।